अगर मेरी बहन इतना कॉन्फिडेंट है, मैं आपके माध्यम से आपके शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज देता हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट है और भाजपा कॉन्फिडेंट है, तो भाजपा की वो ललकार 2014 वाली वापस आनी चाहिए देश के अंदर बेरोजगारी दूर करने की, वो ललकार वापस आनी चाहिए देश के अंदर महंगाई दूर करने के लिए, वो ललकार वापस आनी चाहिए महिलाओं के ओर पे होने वाले उन अत्याचारों की। कहां गई वो तो झोले के अंदर चली गई और झोले वाला झोला उठा के जाने वाला है। और देश के अंदर 24 तक बेरोजगारी आसमान छू गई, महंगाई डैन रूप के डायनासोर बन गई, और मोदी जी कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं। मेरी बहन को खुद पता है कि 2014 19 और 24 में आज उनके घर के अंदर आटा कैसे आता है, आटा महंगा, तेल महंगा, जिस देश में कफन और शिक्षा महंगी हो, और आप कहते हो कि हम विरोध करते हैं इस बात का, हम आपको मुद्दे पे लाना चाहते हैं। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन प्रोफेसर अखिल, आज जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं आ रही हूँ धर्मेंद्र जी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रभु श्री राम का नाम वो सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि रामनवमी है। उधर प्रियंका वाड्रा भी ये कहती है कि आज उनको बहुत अच्छा लग रहा है, रामनवमी का उत्सव है, रामनवमी का मौका है, राम को सब याद तो कर रहे हैं, राम आशीर्वाद किसको देंगे इसका पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन इन्हीं प्रभु श्री राम को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने वक्ताओं को सुना, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी राम विरोधी पार्टी है, सनातन विरोधी पार्टी। हाँ, क्योंकि सनातन धर्म में श्री राम और श्री कृष्ण ने रामायण और महाभारत का युद्ध केवल नारी सम्मान के लिए हुआ था। श्री राम का नारा लगाने वालों को सियाराम का नाम लेना चाहिए, बिना शक्ति के शिव भी शव समान है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में रामायण का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था केवल द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए। अगर इनको शायद आप बोलने दीजिए, आचार्य जी बोलने दीजिए। श्रीराम में और जय सियाराम में फर्क क्या है पहले बता दीजिए। श्रीराम भगवती महालक्ष्मी का नाम है, और इस पे कई बार लोग कंफ्यूजन करने का प्रयास कर चुके हैं। इन्हीं कम्युनिस्ट शिक्षा पद्धति का कारण है जो इस देश में इन्होंने श्री में और लक्ष्मी में कोई फर्क नहीं बताया। यह वास्तविक तौर पर इस देश के अंदर कम्युनिस्टों ने जो बर्बाद किया इस देश को, वही प्रमाण है कि आज इनको बोलने दिया जा रहा है। मैं तो कहूंगा इनको बोलने की हिदायत ही नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने जो किया इस देश के अंदर, और आज भी वही जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक भी कमेंट नहीं आया अभी जी। देखिए, मणिपुर में जिस पर नारी सम्मान का अपमान हुआ, जाट बेटियों को दिल्ली के अंदर घसीटा गया, छत्री नारियों के खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने अपमानजनक टिप्पणी की, और उसको भी आज राजकोट से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। नारी सम्मान सनातन धर्म का मूल है, और जो नारी सम्मान के साथ नहीं खड़े हैं, ऐसे लोग सनातनी। और आचार्य जी ने कहा, ये कह रहे थे जिन्होंने राम भक्तों को मारा उनको पद विभूषण इन्होंने दिया है, इन्होंने सम्मान दिया है, ये राम विरोधी पार्टी है, ये कृष्ण विरोधी पार्टी है, नारी सम्मान की विरोधी पार्टी है। पर धर्मेंद्र जी का रुख करूंगी, दीजिएगा। हाँ, देखिए, अभी मेरे बड़े भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं और मुझे इससे बड़ी पीड़ा हुई है। इन्होंने बात करी नारी सम्मान की, नारी सशक्तिकरण की, ये बात कर रहे हैं। मैं इनको संदेश खाली याद दिला देना चाहती हूँ, और वो ममता बनर्जी याद दिला देना चाहती हूँ, जो स्वयं एक महिला है, मुख्यमंत्री है, जो आज रामनवमी पर ऐसा ओछा बयान देती है कि रामनवमी में वो कहती है कि जो राम भक्त है, जो सनातनी है, वो पत्थरबाजी करेंगे, वो दंगे कराएंगे। यानी कि रामनवमी की जो हमारी कह रही है कि पुलिस और सेना को आपने भगवा रंग में रंग दिया है, वो कह रही हैं कि पुलिस और सेना तक को आपने भगवा रंग में रंग दिया है, और अपने जो अल्पसंख्यक भाई हैं, मैं उनको ये मैसेज दे रही हूँ। मैं अपनी बहन से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शर्म की बात है, संदेश काली की महिलाएं महिलाएं और मणिपुर की महिलाएं महिलाएं नहीं, ठीक है ये कैसे हो सकता है? ये कैसी भाजपा? ये भाजपा सनातन विरोधी क्यों नहीं होगी कि मणिपुर की बहनों के बारे में बहन नहीं कहेंगे, संदेश खाली के लिए बहने कहेंगे? ठीक है, महिला यहाँ पर महिलाओं की बात कर रही है, लेकिन मेरे भाई को जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल सब्र नहीं है कि मुझे बोलने दिया जाए। ये दिखाता है कि कितना सम्मान ये महिलाओं का, नारियों का करते हैं, है ना? ये तो दिख गया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पूरे आपके दर्शकों ने देख लिया है। संदेश खाली के अंदर जिस प्रकार का हमने स्वरूप ममता बनर्जी का देखा, जिस प्रकार से सनातन और रामनवमी पर उनका बयान हमने देखा, वो बहुत ही शर्मनाक और ओछा है। दूसरी जरूरी बात मैं इनसे करना चाहती हूँ, इन्होंने अभी बोला कि कांग्रेस बड़ा सम्मान करती है जी महिलाओं का। अरे, मंडी की भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट के लिए आप बोल देते हो कि क्या भाव है आजकल मंडी में? हेमा मालिनी जी, जिनकी उम्र सोनिया जी के बराबर है, उनके बारे में रणदीप सुरजेवाला हिंदुस्तान वो व्यक्ति है,
लिए पानी जब कौन सी पार्टी के नेता ने कहे थे सीता माता परख नली शिशु है किस कौन सी पार्टी के नेता ने कहा था प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक बड़ा नारा दिया था और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनकी जो वो पोस्टर गर्ल थी अर्चना गौतम लड़की हूँ लड़ सकती की, उसको उसके पिता समेत एआईसीसी के भवन के बाहर पिटवाया था। ये नारी सशक्तिकरण की आप बात करते हो। और एक चीज और बोल दूं हिमानी जी, मैं कल रात को ही उत्तराखंड से चुनावी प्रचार के पश्चात वापस आई हूँ, ग्राउंड जीरो से वापस आई हूँ, गांव गांव में थी और डंके की चोट पर बोल रही हूँ, आपकी बार 400 पार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत वर्ष के प्रधानमंत्री बनने वाले और एनडीए की सरकार आने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा हवाई दावे कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी से जो हवा चल रही है वो पूरे यूपी में फैलने वाली है और पीडीए मोदी जी को हरा देगा। गाजियाबाद और गाजीपुर केवल यूपी है, बताइए धर्मेंद्र जी, आज मन किया लॉन्ग ड्राइव का, तो चलिए थोड़ा 40-50 किलोमीटर चल लेते हैं लॉन्ग ड्राइव और उसके बाद पूरा यूपी साध लेंगे। आपके सभी व्यूअर, इस देश के सभी लोग जानते हैं गाजियाबाद पश्चिम में आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल गर्ग गाजियाबाद के प्रत्याशी हैं और जनता ने उन्हें धक्के मार के बाहर करने का काम किया है, यही हवा की बात कर रहे थे। और आपके संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी हैं और उनकी गाड़ियों को जनता ने पिछली बार नहीं है जाके प्रचार करे, धर्मेंद्र जी हम बात कर रहे हैं इसी सीट को पिछली बार 7.5 लाख, नहीं आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक फैक्ट यहाँ पर बता रही हूँ कि 7.5 लाख से जीते थे पिछली बार ये सीट। अब आप अपनी बात रख लीजिए। 2024 का फैक्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद के प्रत्याशी को गाजियाबाद की जनता ने धक्के मारकर निकाल दिया और गाजियाबाद के जो राजपूत हैं वो भारी विरोध कर रहे हैं जो 5 लाख से ज्यादा है गाजियाबाद पे, इस बात को आप समझिएगा। दूसरा मैं मुजफ्फरनगर का बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में आपके प्रत्याशी को की गाड़ियों को तोड़ दिया गया और हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के वहां चुनाव जीत रहे हैं, तो इसलिए कह रहा ना कि आप स्थिति जानती होंगी, इकरा हसन भी चुनाव जीत रही है, तो 3 लोकसभा की मैंने स्थिति आपको बता दी और 8 लोकसभा की सीटों में चुनाव होना है, और जाननी है मुझे, यही इसी हवा की बात कर रही थी। मेरे भाई ने अभी अभी यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति का छौका लगा दिया जो समाजवादी पार्टी करती है और जो करना था इनके प्रत्याशी को उन्होंने वो कर दिया जो करना था, जिसको करने में ये माहिर है। विकासवाद की राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर सुनिए ना, एक स्थिति और बता दीजिए फिर मैं आचार्य जी का रुख करूंगी। एक स्थिति और बता दीजिए, एक स्थिति और समझना चाह रही हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज्वाइंट थी, साझा थी, लेकिन अपना अपना एजेंडा यहाँ पर नजर आ रहा था। राहुल जी का अपना एजेंडा नजर आ रहा था, अखिलेश जी का अपना अलग नजर आ रहा था। अगर आप अपने नजरिए से देखोगी तो हो सकता है और भी एजेंडा नजर आ जाए। आप मुझे बता दीजिए, इस देश में 22 लोगों के पास जितनी संपत्ति है पूरे देश के 70 करोड़ लोगों के पास वो संपत्ति नहीं है। क्या ये महंगाई का कारण नहीं है? ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोली गई है? अगर ये बात इस देश के लिए नहीं सही, मुझे बता दीजिए आप, क्या किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, आज तक क्यों नहीं किया? ये बात कॉन्फ्रेंस में उठी, मुझे बता दीजिए। एमएसपी गारंटी कानून लाने की बात कही गई, मोदी जी चिल्ला कर कहते 14 में हम एमएसपी गारंटी दे देंगे, आज तक नहीं दे पाए, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठी, कौन सी गलत हो गई मुझे बता दीजिए। 750 किसानों की शहादत हुई, 750 किसानों की शहादत नहीं है किसी की। आप लोग इस तरह के सेल्फ गोल क्यों करते हैं, इस तरह के बयान क्यों देते हैं? कौन से बयान? बपौती नहीं है, राम प्रभु श्री राम किसी की, रामनवमी किसी की, और देखिए आपको पीड़ा होने लगती दिक्कत नहीं, मुझे क्यों पीड़ा होगी? सुन लीजिए, नहीं सुनिए, मुझे क्यों पीड़ा होगी? मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि रामनवमी, हाँ ठीक है, अगर आपको जानकारी हो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला राम सीता का तलाक हुआ और माता सीता ने आत्महत्या कर ली, इतना न्यूनतम स्तर का कमेंट भगवान राम के लिए हो नहीं सकता? इतना ज्यादा हर्टिंग कमेंट भगवान राम के लिए और सीता के लिए नहीं हो सकता? मनमोहन सिंह जी तो कांग्रेस के हैं, हमारे प्रधानों में कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहे? सुनिए पहले आप, दूसरी बात बता रहा हूँ, दूसरा डॉक्टर दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के सबसे बड़े सूबे के उप मुख्यमंत्री, आज के राज्यसभा सांसद बोलते हैं कि माता सीता टेस्ट ट्यूब पे भी हैं। अपने डोरेमोन का असर हमें समझ नहीं सुना जाएगा, सुन लीजिए, भाई था मेरी बात पूरी बहुत ज्यादा, ये डोरेमोन क्या है, ये डोरेमोन क्या लेकर आए हैं? अब डोरेमोन पे आ गए, ये डोरेमोन ऐसे मुख्य
मुख्यमंत्री जिनका नाम दिनेश शर्मा डोरेमोन है क्या? ये मनमोहन शर्मा मुख्यमंत्री हो गए भाई साहब। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव भाई। अरे भैया तो डॉक्टर मोहन यादव। अरे आपने मनमोहन डॉक्टर मोहन यादव लेकिन जय श्री राम आज रामनवमी की कोई नेताओं का बयान नहीं सुन पाओगे ना तो सुबह